सो गाइस, अगर आप भी सबकॉम पैकेज एसयूवी सेगमेंट में कार प्लान कर रहे हो ना अपने लिए, तो प्लीज थोड़ा रुक जाओ, बिकॉज बहुत जल्द महिंद्रा एसयूवी 300 लॉन्च होने वाली है। एंड आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि इस नए फेसलिफ्ट में आपको क्या क्या फीचर्स मिलेंगे, ये कार कब तक लॉन्च होगी, एंड क्या सच में वर्थ इट है इस कार के लिए वेट करना। तो अगर आप इस चैनल में नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा हमारे चैनल को, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज को लाइक करना ना भूलिएगा, बिकॉज आपका एक लाइक और आपका एक सब्सक्राइब हमें काफी ज्यादा मोटिवेट करता है, एंड हम आपके लिए नए वीडियोस लाए इसीलिए आपके सपोर्ट की हमें बहुत ज्यादा जरूरत है। सो गाइस, बात करें एक्सयूवी 300 फेसलिफ्ट की, तो एक्सयूवी 300 का फेसलिफ्ट ना बहुत टाइम से डिले चलता आ रहा है। लास्ट ईयर नेक्सॉन के लॉन्च होने से पहले ही इसके कई स्पाय शॉट देखे गए थे, कई जगह ये कार देखी गई थी इसकी टेस्टिंग होते हुए। आई डोंट नो क्या रीजन था, महिंद्रा क्यों इस कार को डिले कर रहा है, बहुत टाइम से इसकी टेस्टिंग होती हुई आ रही थी, एंड बट फाइनली अब ये कार इंडियन मार्केट में लॉन्च होने वाली है। एंड सोर्सेस की माने तो मार्च एंड तक ये कार लॉन्च हो सकती है, एंड इस बार इस कार में बहुत सारे आपको फीचर्स मिलने वाले हैं, एंड ये कार ना इस सेगमेंट की वन ऑफ द बेस्ट कारों में से एक होने वाली है, बिकॉज जो फीचर इसमें ऐड किए गए ना वो इस सेगमेंट की बाकी कार्स में आपको नहीं मिलेंगे। सो गाइस, अब सबके माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा कि एक्सयूवी 300 में ऐसा है क्या जिसके लिए हम इस कार का वेट करें। तो गाइस, इस बार इस कार में बहुत सी चीजें ऐड ऑन होने वाली है। इस कार में फर्स्ट इन द सेगमेंट पैरानोमिक सनरूफ आपको देखने को मिलेगा। इस सेगमेंट की किसी भी कार में पैरानोमिक सनरूफ अभी तक नहीं आया है। इस सेगमेंट की बाकी कार्स अगर आप देखोगे, नेक्सॉन देखोगे, ब्रेजा देखो, सॉरेट देखो, वेन्यू देखो, छोटा सा सनरूफ उसमें दिया जाता है, बट इस कार में सोर्सेस की माने तो पैरानोमिक सनरूफ का ऑप्शन आ सकता है। एंड अगर ये कार में पैरानोमिक सनरूफ का ऑप्शन आ गया ना, तो सच में ये कार ना सेगमेंट से बिल्कुल अलग हटके खड़ी हो जाएगी। परफॉर्मेंस की बात की जाए इस कार के, तो परफॉर्मेंस के में कोई भी क्वेश्चन नहीं था। परफॉर्मेंस के मामले में ये कार पहले भी बहुत अच्छी थी। हाँ, इसमें टॉर्क कन्वर्टर ऐड हो गया है, जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। सो 1.2 लीटर टर्बो इंजन तो इसमें मिलता ही था, अब टॉर्क कन्वर्टर आने के बाद इसकी परफॉर्मेंस और ज्यादा बढ़ जाएगी, एंड जिन लोगों को थोड़ी बहुत भी कमी लगती थी ना इसकी परफॉर्मेंस में, अब वो भी दूर हो जाएगी, बिकॉज ये कार परफॉर्मेंस वाइज मेरे हिसाब से तो इस सेगमेंट की जो बाकी कार है, चाहे बात करो नेक्सॉन की, चाहे बात करो ब्रेजा की, चाहे सोनेट या वेन्यू, उन सबसे मेरे को परफॉर्मेंस वाइज एक्सयूवी 300 काफी अच्छी लगती है। एक जो कमी थी ना अभी करंट एक्सयूवी 300 में, वो थी इसका इंटीरियर डिजाइन, बिकॉज इंटीरियर डिजाइन जो अभी करंट एक्सयूवी 300 का है ना, वो बहुत आउटडेटेड फील होता है। काफी टाइम से ये इस कार का कोई फेसलिफ्ट नहीं आया था, इंटीरियर जो अभी करंट एक्सयूवी 300 का आ रहा था वो बहुत ज्यादा ना पुराना फील देता था। जो अब इस सेगमेंट की कार प्रोवाइड कर रही है, उस तरह का इंटीरियर इस कार में मिसिंग था, जो कहीं ना कहीं इस कार के लिए एक ड्रॉबैक था। उसके अलावा एक और ड्रॉबैक जो करंट एक्सयूवी 300 में आपको देखने को मिलता था, वो था इसका बूट स्पेस। बूट स्पेस इस कार में बहुत ज्यादा कम था। अगर सेगमेंट से कंपेयर किया जाए तो सबसे कम बूट स्पेस ऑफर करती है कार, बट अब जो फेसलिफ्ट आ रहा है उसमें आपकी इस कमी को भी दूर कर दिया गया है, एंड इस बार आपको न्यू फेसलिफ्ट में बूट स्पेस पहले से ज्यादा देखने को मिलेगा। वी डोंट नो कि इसके लिए महिंद्रा ने अंदर के स्पेस को कॉम्प्रोमाइज किया है या नहीं, बट इतना श्योर है कि नई फेसलिफ्ट में आपको जो बूट स्पेस है वो अब थोड़ा इंक्रीज देखने को मिलेगा। इसके अलावा बात की जाए इंटीरियर की, तो इंटीरियर को भी टोटली चेंज कर दिया गया है, एंड इंटीरियर और बूट स्पेस एक ऐसे पॉइंट्स थे ना इस कार के, जो कहीं ना कहीं इस कार को की सेल को इम्पैक्ट कर रहे थे, एंड लोग इस कार की तरफ जाने से बच रहे थे। ऑल्दो परफॉर्मेंस वाइज किसी को डाउट नहीं है इस कार में, बट जो इंटीरियर और बूट स्पेस वाली रीजन है ना, वो ये ऐसा रीजन था जिसकी वजह से लोग इस कार को अवॉइड कर रहे थे। तो इंटीरियर भी अब इस कार में सही कर दिया गया है। इंटीरियर जो आप इसकी एक्सयूवी 400 देख रहे हो, कहीं ना कहीं उससे इंस्पायर्ड देखने को मिलेगा। इंटीरियर को टोटली चेंज कर दिया गया है, एंड अब जो इंटीरियर देखने को मिल रहा है, जैसे आप एक्सयूवी 400 में आपने देखा होगा जो इंटीरियर, वो है सिमिलर टाइप ऑफ इंटीरियर इसमें आएगा, एंड ये इंटीरियर देखने में मुझे पर्सनली अच्छा लगा। सो ओवरऑल एक्सयूवी 300 में जितनी भी कमियां नजर आ रही थी ना, इन सभी कमियों को दूर कर दिया गया है इसकी करंट फेसलिफ्ट में, एंड वी होप महिंद्रा इस कार की जो प्राइसिंग है ना उसको भी काफी ज्यादा कॉम्पिटेटिव रखेगा, ताकि एंड कस्टमर के पास बेनिफिट मिले और एंड कस्टमर को एक अच्छा प्रोडक्ट मिले। तो गाइस, ये कुछ चीजें हैं जो महिंद्रा एक्सयूवी 300 में अब आपको चेंजेस देखने को मिलेगी। इसके अलावा एक पॉइंट एक ऐसा है जिसमें मुझे लगता है कि महिंद्रा थोड़ा लैग करता है, वो है इनकी आफ्टर सेल सर्विसेज, एंड वी होप कि अब महिंद्रा अपनी आफ्टर सेल सर्विसेज को और ज्यादा इम्प्रूव करेगा, ताकि कस्टमर इस कार की तरफ ज्यादा से ज्यादा जाए, बिकॉज अच्छा प्रोडक्ट है। कहीं ना कहीं आफ्टर सेल सर्विसेज की वजह से प्रोडक्ट में इम्पैक्ट नहीं होना चाहिए।
अच्छा प्रोडक्ट है, लोग जाएं, आफ्टर सेल्स अच्छी मिले, सो इससे ज्यादा बेटर कुछ और नहीं हो सकता। तो गाइज आपकी क्या राय इस कार के बारे में मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, और आपको क्या लगता है कि इस कार का वेट करना वर्थ है या नहीं वो भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। बट गाइज मेरी माने तो आपको डेफिनेटली इस कार का वेट करना चाहिए, बिकॉज बहुत अच्छा प्रोडक्ट है ये, बात चाहे सेफ्टी की हो, बात चाहे परफॉर्मेंस की हो, बात चाहे आपके कंफर्ट की हो, सारी चीजें आपको इस कार में मिलती है। एक कंप्लीट प्रोडक्ट है ये, एंड डेफिनेटली आपको इस कार का जरूर वेट करना चाहिए। तो गाइज ये छोटी सी वीडियो थी, थोड़ा सा अपडेट था XUV 300 के बारे में। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।